हेलो दोस्तों, मैं हूं हसन, एक सीनियर इंस्ट्रक्टर निमास से, और स्वागत करना चाहूंगा आपका आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे नॉट के बारे में जिसका अपने आप में कोई वजूद नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना कि इसके नॉट का कोई अपने आप में वजूद नहीं होता। तो दोस्तों, मैंने अभी ले लिया है अपने सामने एक रोप, और अभी इसके ऊपर मैं बनाऊंगा एक नॉट। ठीक है, तो ये मैंने बनाया एक लूप, ये बनाया दूसरा, और लगाया पहले को दूसरे वाले के ऊपर। ठीक है, तो ये है हमारा एक नॉट। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है अगर मैं इसके ऊपर ज़रा सा जो है ज़ोर डालता हूँ। देखिए, ये पूरी तरीके से खुल गया है। अभी आपको मन में शंका आ रही होगी कि यार ये नॉट हुआ कैसे, क्योंकि पहली बात हमने यहाँ पे कुछ बांधा ही नहीं, या ये किस तरह का नॉट हुआ जो जरा से जोर डालते ही अपने आप में खुल गया है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, यही नॉट को बांधता हूं, पर एक थोड़े से अलग तरीके से। ये मैंने बनाया एक लूप, दूसरा लूप डाला, और अब मैं लेके आ रहा हूं एक स्क्रू टाइप कैरबिनर। अब मैं इसको फंसाऊंगा इन दो लूप्स के बीच में से, और इसको कर देता हूं मैं लॉक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब मैं इसके ऊपर जोर डालता हूं। देखिए, ये जो नॉट है वो पूरी तरीके से बंद गया है, पूरी तरीके से। देखिए, ये नॉट कहीं पे भी नहीं जा रहा है। तो यही मैं कहना चाहता था वीडियो के शुरुआत में, कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे नॉट के बारे में जिसका अपने आप में कोई वजूद नहीं। इसका मतलब ये था कि ऐसे नॉट के बारे में हम बात करेंगे जिसको सहायता की जरूरत होगी कोई अन्य वस्तु की, जैसे कोई एक कैरबाइनर। तो जो नॉट को किसी अन्य वस्तु की जरूरत पड़ती है टिकने के लिए, उस नॉट को हम कहते हैं एक फ्रिक्शन हिच। जी हाँ, यानी कि एक ऐसा नॉट जो टिकता है खाली फ्रिक्शन के बल पर। अभी आपको लग रहा होगा ये बांधना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं देखिए, अभी मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, तो ये जो रस्सी है, देखिए, इस कैरबाइनर ने इन दो लूप्स को नज़दीक में ला के रख दिया है, जिसके कारण ये दो सतह जो है, ये दो सतह जो हैं इनके बीच का जो फ्रिक्शन है इसको बढ़ा रहा है। देखिए मैं क्या करता हूँ जब इसको खींचता हूँ, तो देखिए जब मैं खींच रहा हूँ तब ये जो दो सतह हैं इनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको बढ़ा रहा है ये कैरबाइनर, क्योंकि ये इन दोनों को पास में जोड़कर रखता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एक फ्रिक्शन हिच, क्योंकि ये अभी टिका हुआ है एक कैरबाइनर के कारण जो इस रोप के बीच की जो फ्रिक्शन है उसको बढ़ा के रख रहा है। तो ये हुआ हमारा एक फ्रिक्शन हिच। इस फ्रिक्शन हिच को हम एक क्लोव हिच भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक फ्रिक्शन क्लोव हिच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लोव हिच बनाने के लिए दोस्तों, आप ले लीजिए एक रोप या रोप स्लिंग, बिल्कुल मेरी तरीके से। ठीक है, और इसको अपने सामने रख लीजिए, और अब हम शुरू करेंगे बनाना एक क्लोव हिच। तो सबसे पहले इस साइड को लीजिए, अपने दाहिने तरफ को इस तरीके से पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ लिया आपने। अब हम बनाएंगे इस साइड के ऊपर एक लूप। देखिए ऐसे इसको ऊपर लाते हुए बनाइए एक लूप, जैसे हमने सेफ्टी नॉट और बोलाइन नॉट में बनाया था रनर्स एंड के ऊपर एक लूप। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे हम एक दूसरा लूप इसी साइड पे। ठीक है, और ये बनाया मैंने एक दूसरा लूप, और अब मैं लेके आऊंगा जो पहले वाले लूप को दूसरे वाले लूप के ऊपर ऐसे। ठीक है, अब मैं लेके आऊंगा एक स्क्रू टाइप कैरबाइनर,
खोलूंगा इसके गेट को और इसको डालूंगा इन दो लूप्स के बीच में, ठीक है। अब मैं कर देता हूं इसको लॉक, इसको ऐसे रखिए अपने सामने दोनों उंगलियों से पकड़ के और इसको खींचिए नीचे की ओर दोनों तरफ को पकड़ के रोप के, ठीक है ठीक है। देखिए देखिए और ये बन गया हमारा एक क्लोव हिच। अक्सर एक क्लोविज जैसे आसान नॉट में भी छात्र जो हैं काफ़ी गलतियां करते हैं और सबसे बड़ी गलती वो यहाँ पे करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा जो लूप है वो किसके ऊपर जाएगा, राइट लेफ्ट के ऊपर जाएगा या लेफ्ट राइट के ऊपर जाएगा, और काफ़ी बार गलतियां करते हैं। जैसे मैंने अभी दो लूप बना दिए, ये इसको अजीब तरीके से रख देते हैं और ऐसे बांध देते हैं और कहते हैं सर ये जो हमारा क्लो हिच है ये तो बंद ही नहीं रहा, देखिए ये रोप अभी भी हिल रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक काफ़ी सरल तरीका है, तो आपने कभी ना कभी मिलिट्री की परेड देखी होगी जिसमें होता है कदम तल जो चलता है इंस्ट्रक्टर के बोली पे और वो है लेफ्ट राइट लेफ्ट, और वही चीज़ को हम यहाँ पे दोहराएंगे क्लो हिच बनाते वक्त। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड पर हम बनाएंगे एक लूप, पहला लूप क्लोव हिच का, ठीक है। अब बनाएंगे अपने राइट साइड पे एक लूप, ये हो गया मेरा राइट, और अब वापस लेफ्ट की तरफ आएंगे और लेफ्ट वाले लूप को लेके जाएंगे राइट के ऊपर। तो ये हुआ हमारा लेफ्ट राइट लेफ्ट, और अंत में जोड़ दीजिए इसको एक कैरबाइनर के साथ, ठीक है, और खींच दीजिए इसको ऐसे। ये बन गया हमारा एक क्लोव हिच जिसको आप याद रख सकते हैं लेफ्ट राइट और लेफ्ट के संख्या से। तो क्लोव हिच का प्रयोग हम माउंटेनियरिंग में इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने आप को किसी भारी से वस्तु या चीज या रॉक या चट्टान के ऊपर एंकर कर लें। इसका मतलब हम अपने आप को किसी पत्थर के साथ जोड़ लें ताकि हम अपने साथी क्लाइंबर को बिले प्रदान कर सकते हैं, और बिले प्रदान करने का मतलब होता है अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने साथी जो रोप के दूसरे छोर पर हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना ताकि वो कोई हानिकारक फॉल ना ले सके क्लाइंबिंग के वक्त। इस परिभाषा को आप ठीक तरीके से याद रख लीजिए क्योंकि आपके उस्ताद जो हैं वो एग्जाम में इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे। और हाँ, अभी इसी चीज़ का आपको डेमो देने के लिए बैठे हैं हमारे प्रमोद रॉक क्लाइंबिंग एरिया में, जो आपको एक छोटा सा डेमो देंगे इसी चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे प्रमोद बना रहे हैं एक लो हिच, पहले तरीके से दोनों हाथों से ये उन्होंने बनाया एक लूप लेफ्ट साइड पे और ये बनाया उन्होंने एक लूप राइट साइड पे, और फिर लेके आए वो लेफ्ट को राइट के ऊपर और फिर डाल दिया उन्होंने इस लूप को कैरबाइनर के अंदर, कर दिया है उन्होंने गेट को लॉक। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो एक क्लोव हिच यानी कि फ्रिक्शन हिच को लेकर। ऐसे ही कई सारे फ्रिक्शन हिचस हैं आगे भी, जैसे हो गया आपका मंडर हिच या मंडर म्यूल हिच या प्रूसिक हिच या एक बैकमैन हिच, ऐसे ही कई सारे हिचस हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि अंत में अगर आपको कोई दिक्कत आई है इस चीज़ को सीखने के लिए तो कृपया करके वीडियो को दोबारा देखें, या फिर भी आपके पास कोई शंकाएं बची हैं तो कृपया करके आप अपने इंस्ट्रक्टर को इस चीज़ के बारे में पूछें। और इसी बात के साथ मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी नॉट्स मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये बात के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा। जय हिंद।